तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात करने जा रहे हैं फॉर्मूला की, और फॉर्मूला में हम बात करेंगे एरे फॉर्मूला की। सिक्वेंसिंग फॉर्मूला हमारा खत्म हो गया, हमने अभी तक तकरीबन 150 के आसपास फॉर्मूले आपके साथ सीख चुके हैं, और हम बात करने जा रहे हैं फॉर्मूला की अगली कैटेगरी एरे फॉर्मूला की। देखिए एरे फॉर्मूला के बारे में मैं बता दूं कि कोई ए लिस्ट ऑफ फॉर्मूला नहीं है कि आपने सीख लिया कि हाँ भाई जैसे वी लुकअप, एच लुकअप, मैच, इंडेक्स सीख लिया, नहीं। एरे फॉर्मूला फॉर्मूला लगाने का तरीका है, एरे फॉर्मेट। अब ये एरे फॉर्मेट क्या होता है, ये क्या डिफरेंस है नॉर्मल फॉर्मूला लगाने से और क्या बोलते हैं एरे फॉर्मूला से, डिफरेंस क्या है? तो इसमें सिंपल सी बात जान जाइए कि जैसे आप इफ ही लगाते हो, इफ में आप सिंगल ए वन देते हो ना, और ए वन को सिलेक्ट करता है, बट एरे फॉर्मूला में हम पूरी की पूरी कॉलम दे सकते हैं और एक कॉलम पूरी की पूरी कॉलम को कैलकुलेट कर सकता है। और जहां पे नॉर्मल फॉर्मूले की लिमिटेशन खत्म होती है वहीं पे एरे फॉर्मूला की लिमिटेशन स्टार्ट होती है। इस क्लास के बाद हम आपको एक बुक भी आपको बताएंगे कि कौन सी बुक है जिसमें हम एरे को अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, और एरे फॉर्मूला है जो कि हमें वीवीए की डिपेंडेंसी को कम करता है। एरे से अगर नहीं हुआ इसमें तो वीवीए से ही होगा, समझ गया? और वीवीए से होने वाले बहुत सारे फॉर्मूले कैलकुलेशन हम एरे से कर लेते हैं। तो चलिए इसी एरे के कंसेप्ट को समझते हैं। याद रखिएगा एरे फॉर्मूला को लिस्ट ऑफ फॉर्मूला नहीं है, बस वो लगाने का तरीका है। अगर आप समझ में आ गए तो एक एग्जाम्पल काफी है, नहीं समझ पा रहे हो तो 100 एग्जाम्पल भी आपके लिए काफी नहीं होगा। स्टार्ट करें सर, तो हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन आपको दे रहे हैं, एक्सेल से आते हैं। अब जैसे कि सिंपल सी बात हम आपको समझा देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे एरे के दो पार्ट होते हैं, पहला होता है कैलकुलेशन, दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम कैलकुलेशन के बारे में आपके साथ पढ़ेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जैसे कि हम यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5 लिखते हैं, हम इसी चीज को सिलेक्ट कर लेंगे और कर्ली ब्रैकेट में हम एक साथ लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5 और कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट एंटर जो होता है एरर को परफॉर्म करने का होता है, इस कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारेंगे आप तो आप एक देखिए डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब बोलोगे इसका बेनिफिट कहाँ है, इसका बेनिफिट हम कई सारे फॉर्मूले में करते हैं। एग्जाम्पल के तौर में आपने देखा होगा भुवन जी, मैंने वी लुक कब का इस्तेमाल किया था। चलिए एक और एग्जाम्पल इस डिस्ट्रीब्यूशन का मैं आपको देता हूँ। मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ सुजीत, मुझे अपने नाम को हर एक लेटर को एक एक सेल में रखना है, जैसे कि एस यू जे ई सी सुजी, ओके। तो मुझे इसको फॉर्मूले से करना है, तो अगर हम नॉर्मल करते हैं तो हमें मिड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मिड देखिए कैसे आसान करता है एरे, हम आपको बताते हैं। अब मिड फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे 1 और 1, मतलब कि स्टार्टिंग से 1 और 1 करेक्टर ले लो। फिर वापस हमने यहाँ पे मिड दिया, इसको सिलेक्ट किया और हमने किया 2, 1। फिर वापस हमने यहाँ पे मिड दिया और इसको सिलेक्ट किया और बोला 3, 1। फिर वापस यहाँ पे मैं मिड दिया और मिड फॉर्मूला और इसमें हो जाएगा 3, 4, 4, 1। फिर वापस यहां मिड देता हूं और ये होता है 5, 1। और वापस यहां मिड दिया, इसको सिलेक्ट किया, ये रहता है 6, 1। तो देखा हमें 6 फॉर्मूले लगाने पड़े, अब ये ऑटोमेट भी नहीं है, कल के डेट में नाम बढ़ता है तो मुझे और यहाँ फॉर्मूला लगाने पड़ेंगे। तो आप फॉर्मूले को देखिए, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बीच में का जो नंबर है वही सीक्वेंस बढ़ा रहा है, जैसे यहाँ देख रहे हैं ना 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह।
इसको कैसे हम करेंगे? तो इसके लिए फॉर्मूला हम लगाएंगे मिड में एरे का फाइंड देंगे, और कर्ली ब्रैकेट में मैं यहीं पे लिख दूंगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहां पे कॉमा 1 हो गया। सेलेक्ट करिए, F2 प्रेस करके कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस कीजिएगा, आपके सामने दिख रहा है। दिख गया सर? अभी भी ये ऑटोमेट तो नहीं है, बट मैं चाहता हूं ऑटोमेट करना। तो यहां आप मिड के फॉर्मूले में कॉलन फॉर्मूले का इन्वॉल्व कर दें। अब कॉलन फॉर्मूले क्या होगा, जो मैनुअली हम जो कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4, 5 देते हैं, वो चीज यहां पे वो दे देगा। सेलेक्ट कीजिए एक निश्चित लोकेशन पे, F2 कंट्रोल से एंटर। आ गया तुझी, सॉरी माफ कीजिएगा, यहां पे हमें 1 से ले 1, 1, 1 by 1 करना पड़ेगा, कंट्रोल से एंटर। हाँ, अब मैं सुजीत लिखूं या राज लिखूं या राजकुमार लिखूं, ये फुल्ली डायनेमिक हो गया। तो देखा किस तरीके से एरे जो है हमारा काम को आसान कर देता है। आपने देखा किस तरह से मैनुअल फॉर्मूला हमारा दिक्कत दिया, हमने एक फिक्स लेंथ कर दिया और हमने इसको ऑटोमेट कर दिया कॉलम फॉर्मूला। तो भुवन जी एंड दीपक जी, कोई डाउट इसमें? दीपक नो सर, जी यस सर, क्लियर है सर, डाउट नहीं इसमें? तो सर कोई डाउट। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या हुआ, कि डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हमें हर एक सेल में देनी है सिक्वेंसली, या कुछ ऐसे पार्ट दे तो हम उसका एरे का डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट को यूज करते हैं। अब एक और एग्जांपल हम आपको इसमें दिखा देते हैं। मैं यहाँ पे नेम देता हूँ, और यहां पे हम सेल्स दे देते हैं। और इसको नीचे की तरफ हम ड्रैग करते हैं, कॉपी करते हैं, इसी के ऊपर हम पेस्ट कर देते हैं। अब यहां आप सिंपल सी बात जान जाइए कि मुझे इसमें पूजा आपका टोटल चाहिए, पूजा, और मुझे चाहिए ओम का टोटल। तो आप एक यहां समीप लगाओगे, एक यहां समीप लगाओगे। अब चलो पूजा मैच करता है तो ठीक है, लेकिन मेरे पास यहाँ पूजा सिंह है या कुछ और नाम हो सकते हैं, तो मुझे सम इफ करते समय क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे सम इफ लगाऊंगा मैं, कि सम इफ में हमने रेंज को दिया कॉमा क्राइटेरिया लिया और यहाँ हमने सम रेंज को दे दिया, यहाँ पे हमारा 0 आ गया, क्योंकि तो क्राइटेरिया हमें यहाँ मैं हमारा क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा है, तो मैं यहाँ पे मैनुअल पूजा दे दूंगा। फिर मुझे यहाँ पे ओम भी देना होगा, तो आप जो है एक साथ कर्ली ब्रैकेट में दोनों दे दीजिए एक ही बार में, या कहीं सेल पे सिलेक्टेड है तो वो भी आप दे सकते हैं। हो गया? तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट को इस्तेमाल करते हैं। अभी तो जस्ट मैं इंट्रो दे रहा हूं, आगे क्लासेस में हम आपको इसको डिटेल में पढ़ाएंगे। ओके, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। हमने आपको दो पार्ट बताया था, पहला बताया था डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपने देखा कि एरे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है और हमें हेल्प करता है, इनपुट को डिस्ट्रीब्यूट करता है और डिस्ट्रीब्यूट करने में हमें हेल्प करता है। अब अगला पार्ट आता है, वो आता है आपका कैलकुलेशन। कैलकुलेशन बड़ी मजेदार चीज है, क्योंकि कैलकुलेशन करते समय हमें कई सारे चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, और यहाँ पे कैलकुलेशन जो है एरे बड़ी आसानी से एक सीख में कर देता है। तो कैसे हुआ? सॉरी, अब जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल हम समझाते हैं आपको, कि मेरे पास कुछ नंबर्स हैं,
मुझे इन सबों सब नंबर के अंदर में इंडिविजुअली सब पे डिवाइड बाय सबको मैं डिवाइड बाय टू डिवाइड मतलब कि इसमें हमें मान ली सबका 10% निकालना है और फिर सम करना है, सिंपल सा सबका 10% निकाल के और फिर मुझे यहाँ पे इसका सम निकालना है। मान लीजिए एग्जांपल, तो इस काम को हम एक सेल में कर सकते हैं कि यहाँ हम ये सम और इसको सिलेक्ट कर लिया और इसको मल्टीप्लाई बाय 10% कर आया रिजल्ट। सब ये तो सिंपल जो था ऐसे भी हो जाता, तो चलिए इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो इसका हम निकालेंगे 10%, फिर इसमें 20 हमें इंडिविजुअली सम में 20 ऐड करना है, 20 को ऐड करना है, 20 ऐड हो गया, फिर मुझे एक कैलकुलेशन करता है कि मुझे इस पे इसको सेलेक्ट करके मल्टीप्लाई बाय 6 करना है। जब मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाता है तो फिर इंडिविजुअली सॉरी माफ कीजिएगा, हाँ मल्टीप्लाई बाय 6 कर दिया, फिर इस पे इंडिविजुअली हमें डिवाइड बाय 2 करने एंड इसके बाद मुझे इन सब का टोटल निकालना है। मैं क्या करना, सबसे पहले हमने 10% निकाला, देन इसमें प्लस 20 किया, प्लस फिर मल्टीप्लाई बाय 6 किया, फिर उसका डिवाइड बाय 2 करके जो रिजल्ट आया उसका टोटल निकाल लिया। ये कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो सकती है, ऐसे एग्जाम्पल का तो ये बता दिया मैंने। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सम, हमने सम में इसको लिया मल्टीप्लाई बाय 10% देन प्लस 20 देन डिवाइड बाय 2, हमने इकट्ठे दे दिया। अब यहाँ रिजल्ट गलत आ रहा है, मुझे पता है क्यों, क्योंकि हमने बोर्ड मास मेथड को फॉलो नहीं किया। अब हमें यहाँ बोर्ड मास मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। हमने बोर्ड मास मेथड की क्या किया, हमने कैलकुलेशन को ब्रैकेट्स में डाल दिया हुआ है। अब मैं इसको एंटर करता हूं, एंटर नहीं कंट्रोल शिफ्ट एंटर, अभी भी नहीं हुआ, मतलब कि अभी भी हमने बोर्ड मास मेथड में प्रॉब्लम है। अच्छा, हमने 12, हाँ हमने मल्टीप्लाई बाय 6 नहीं किया हुआ है, ए सही बोला आपने, मल्टीप्लाई बाय 6 एंड ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, रिजल्ट मिल गया। तो अब देखिए इतना सारा कैलकुलेशन करके फिर रिजल्ट निकाला हमारा नॉर्मल एक्चुअल फॉर्मूले ने, एरे फॉर्मूला ने एक ही सेल पे निकाला, समझ में आया सर आपको। अब इसमें और क्या हो सकता है, अभी देख लीजिए। अब मान लीजिए मुझे ओम प्लस देव का टोटल चाहिए, अब यहाँ पे देखिए मुझे ओम और देव का टोटल चाहिए, नॉर्मल फॉर्मूला में क्या करना होगा आपको, आपको यहाँ पे सम इफ का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सम इफ इसको सेलेक्ट किया कॉमा आपने दिया ओम, फिर कॉमा आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, फिर प्लस करेंगे अगेन सम इफ, सम इफ, और फिर आप देव को लेंगे। अब इस बार आपने ले लिया देव को ले लिया और फिर आपने इसको लिख दिया, तो क्या हो गया, अब यहां टोटल आया। अब इसी काम को हम एरे में बड़ी सिंपली तरीके से कर सकते हैं, हम यहां पे लिखेंगे सम इफ, क्या लिखेंगे सम इफ, हमने इसको सिलेक्ट किया, नहीं नहीं यहां पे मुझे पहले देना पड़ेगा सम देन देना पड़ेगा सम इफ, उसके बाद हम रेंज को सिलेक्ट करेंगे और क्राइटेरिया में कर्ली ब्रैकेट जो ऊपर किया था ना, अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैलकुलेशन दोनों मर्ज हो रहा है, देव प्लस ओम, मेरे बेटे का नाम भी देव है, मैं देव बोल रहा हूं तो मेरे बेटा पीछे से कह रहा यस, इसको सिलेक्ट कर लिया और फिर हमने इसको एंटर प्रेस कर दिया, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, अच्छा प्लस नहीं होगा यहाँ पे कॉमा होगा, माफ कीजिएगा मेरी गलती है, हाँ हो गया। अब ये तो चलो ठीक है, दो था
अगर 3, 4, 5, 7 होते तो आप इसी तरह से यहाँ पे कर सकते थे, बट इसमें आपको उतने स्वामित्व लगाने पड़ते, बट यहाँ पे हमने सिंपल कर लिया। अब इसमें हमने सम क्यों लगाया? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सम इज वन टाइम में वन रिजल्ट देता है, जैसे कि आपने यहाँ देखा वन टाइम में वो वन रिजल्ट देता है, लेकिन मुझे बोथ ऑफ रिजल्ट का टोटल चाहिए, तो हमने सम लगाया और हमने बोला कि जो सम इस मल्टीपल रिजल्ट दे रहा है उसको कंबाइन करके एक सम निकाल के आप शो कीजिए। अब आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो इसके लिए आपको फॉर्मूला एवलेट करना पड़ेगा। फॉर्मूला मेनू बार में हम जाएंगे, यहां पे देखेंगे एवलेट फॉर्मूला, एवलेट फॉर्मूले पे आएंगे। अब यहां पे देखिए क्या हुआ कि सम इसने क्या किया, सम इसने दो नंबर दिए, जैसे कि यहां इसने दिया था ऐसे दो नंबर 147 और 101 यहाँ पे शो कर दिया। अब सम को दो नंबर मिला, इसने टोटल करके दे दिया। तो दीपक, अच्छा दीपक जी एंड भुवन जी, एरे का मोटिव समझ में आ गया कि एरे हम यूज क्यों करेंगे? जी सर, समझ में आया भुवन जी? आपको समझ में आया? यस सर। तो मुझे समझाइए कि क्या करेंगे हम, क्या समझे अभी तक की क्लास से? दीपक जी आप बताइए। एरे का जो मेन पर्पस है, जो हम फॉर्मूलेस लगाते हैं उसमें लेंथ ज्यादा हो जाती है, तो उसको कॉम्प्लिकेशन, मतलब कॉम्प्लिकेशन कम करने के लिए, और एक साथ फॉर्मूले को मर्ज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे प्लस करना है, दो तीन मेरे पास वैल्यूज हैं, तो मैं उनको मर्ज करके सिंबल शॉर्ट फॉर्मूले में इजीली कर सकता हूँ, या फिर मुझे उसे बढ़ा के कॉलम टू कॉलम लंबा करना पड़ेगा। जी हाँ, सही सही, एकदम आपने सही बोला। और साथ में ये भी हम उसे कर सकते हैं कि कुछ ऐसे कैलकुलेशन भी है जो कि नॉर्मल एक्सेल या नॉर्मल एक्सेल फॉर्मूले में पॉसिबल नहीं है, पर हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे की कुछ क्लासेज में हम इसी चीज को पढ़ेंगे। तो वन बाई वन अब बढ़ते हैं। हमने बताया था कि एरे के दो पार्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैलकुलेशन। ओके, तो हम कैलकुलेशन को बाद में रखते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन में आपने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन का भी पार्ट होता है, तो सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ते हैं। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जैसे कि अभी आपने थोड़ा देर पहले देखा कि हमने यहाँ पे आपने देखा कॉमा कॉमा हमने लगा दिया। हमने इसको डिफरेंट यहाँ पे लगा दिया, देख रहा है आपको? अब मुझे इसके बारे में समझना है। तो शुरुआत में हमने आपको बताया था कि एक मिनट में इसको डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए, जैसे हमने शुरुआत में बताया था कि हम कर्ली ब्रैकेट लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 लिख दिया, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मारा, तो देखिए डिस्ट्रीब्यूट हो गया। हो गया, तो इसमें ध्यान रखिएगा जो कॉमा होता है वो होता है आपका कॉलम, और जो नंबर होता है, जो सेमी कॉलम होता है, होता है रो। मान लीजिए मुझे एक 5 से लेकर 10 तक का नंबर चाहिए, बस उसको टू कॉलम दे, 5 के बाद वो दूसरा रो हो जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर में देंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 5 के बाद हम सेकेंड रो चाहते हैं, तो हम यहां देंगे सेमी कॉलन, देन 6, 7, 8, 9, 10 और फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो आप देखिए ये दो लाइनिंग में आ गया। तो सेमी कॉलन किसका पार्ट होता है? सेमी कॉलन पार्ट होता है कॉलन का एंड सॉरी रो का, एंड कॉमा जो होता है वो होता है कॉलम का। अब यहाँ पे सर समझने वाली बात है कि हम आखिर इस तरह से क्यों लिखेंगे? तो बेसिकली हम लिखेंगे इसको फॉर्मूले के अंदर। अब फॉर्मूले के अंदर मतलब, तो एक एग्जांपल हम आपको देते हैं। ए मेरे पास सिटी कोड है और यहाँ पे हमारे पास सिटी है, तो जैसे कि 1-1 हुआ तो यहाँ पे दिल्ली आएगा, 2-2 हुआ तो यहाँ पे मुंबई आएगा, 3-3 हुआ तो कोलकाता आएगा, और 4-4 आया तो चेन्नई आएगा। मान लीजिए अब प्रॉब्लम क्या, ऐसे और भी हो सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास कोड है और मुझे यहाँ पे सिटी नेम को लुकअप करना है,
सॉल्यूशन इसके लिए सिंपल, हम यहाँ पे वी लुकअप लगा देंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे यह है कि हमें डेटा को कहीं होल्ड नहीं करना है, जो डेटा आपको दिख रहा है मुझे सीट पे नहीं चाहिए, हमें फॉर्मूले के अंदर ही होनी चाहिए ताकि हम फॉर्मूला की सिक्योरिटी लगाएं, ताकि कोई भी मेरा एक कोड एन एस के नंबर देख ना पाए। बात समझे दीपक जी? तो हम प्रोटेक्शन मेथड में जाएंगे और फॉर्मूला में कर देंगे, और हाइड बाइज हम नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं फॉर्मूले के अंदर ही चला जाए, सिंपल सर्कुलर। तो अब यहाँ पे इसके लिए मुझे देना होगा इफ का फॉर्मूला। अब चलिए इफ तो चलो चार है तो चार इफ लग जाएगा, लेकिन मान लीजिए आपके पास 40 हुए, 30 हुए, 20 हुए, 100 हुए, तो उतने इफ लगाना तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो हम वी लुकअप का ही यूज करेंगे। तो वी लुकअप में हम डेटा को सिलेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ देखिए टेबल एंड एरे, मतलब समझे कि टेबल भी दे सकते हैं और एरे भी दे सकते हैं। तो यहाँ हम कर्ली ब्रैकेट में हम पूरे डेटा को एरे टेबल फॉर्मेट में एज ए एरे यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो 11 कॉमा डेली, ओके, देन सेमी कॉलन 22 कॉमा मुंबई, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, मुंबई वाले नाराज हो जाएंगे, एंड सेमी कॉलन 33 कॉमा कोलकाता। फिर सेमी कॉलन 44 कॉमा चेन्नई, एंड फिर 2,0, रिजल्ट आ गया। तो अब यहां पे देखिए जो हमने दिया है ना, इसको एक्सेल ने टेबल फॉर्मेट में वी लुकअप के बैकएंड में इन्होंने 2 कॉलम क्रिएट किया। अब जैसे कि आप यहां देख रहे हैं कि यहां पे 1 रो क्रिएट किया उसने, कितने 4 रो क्रिएट किए, और यहां पे आप देखिए कि जैसे ये आपका 11 है तो इसने 11 यहां पे लिखा, जगह कॉमा है तो अगले कॉलम में दिल्ली लिख दिया, ठीक है, दिल्ली पूरा लिख दिया। और फिर इसने देखा कि सेमी कॉलन है तो अगले नंबर को इसने यहाँ 22 को इसने यहाँ लिखा, और फिर इसने मुंबई को यहाँ लिख दिया। ऐसे देखा मुंबई के बाद सेमी कॉलन है तो 33 को यहाँ लिख दिया। इस तरह से इसने टेबल फॉर्मेट में दिया हुआ है। समझ आया सर आपको? यस सर, क्लियर। बट प्रॉब्लम वही आती है कि अगर मेरे पास बहुत बड़ा डेटा हुआ तो 2 प्रॉब्लम हो सकती है। पहली प्रॉब्लम वही कि हम टाइप इतना कैसे करेंगे, और दूसरी प्रॉब्लम कि ये काफी ज्यादा फॉर्मूला हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। तो दूसरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं अभी आपको दे देता हूं कि फॉर्मूला लंबा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे कि डिफाइन नेम में हम देते हैं डेटा, डिफाइन नेम में हम इस पूरे रिकॉर्ड को रख देंगे, देन ओके। अब मैं यहाँ वी लुकअप लगाऊंगा इस यहाँ पे 22, और हम यहाँ पे दिया वी लुकअप, इसको सेलेक्ट किया, और यहाँ डेटा एंड कॉमा 2,0। तो दूसरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया, छोटा फॉर्मूला हो जाएगा, लेकिन पहला प्रॉब्लम अभी भी प्रॉब्लम क्रिएट किए हुए हैं। पहला प्रॉब्लम क्या है, हम टाइप कैसे करें? तो मैं एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ जो कि मैंने अपने लाइफ में, मान लीजिए कि हमारे पास जो है एक आईडी है और यहाँ पे मान लीजिए नेम है, सब बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे 11 इसको नीचे ड्रैग कर दिया, और फिर इसमें हमने सिटी डाल दिया, इतना ही करता हूं। अब इतने को मुझे कैसे रखना है, हमने इसको कॉपी किया। अब इसकी मदद लेने हम एक चीज का मदद लेंगे, वो मदद लेंगे एमएस वर्ड का। तो हम एमएस वर्ड को यहाँ खोल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, हमने एमएस वर्ड को यहाँ पे लॉग इन किया,
और फिर इसको हमने टेस्ट स्पेशल में या अनफॉर्मेट यूनिकोड टेक्स्ट करता हूं। हम डायरेक्ट पेस्ट नहीं कर रहे हैं, नीचे से पेस्ट स्पेशल कर रहे हैं और ये आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करते हैं और देखिए जो वर्ड है जो आईडी और नेम के बीच में चाहे डबल वर्ड और दिल्ली के बीच में जो स्पेस है उसको टैप समझती है और दिल्ली एंड ये आपका डबल टू के बीच में जो स्पेस है उसको पैराग्राफ समझती है। तो हम कंट्रोल ए शब्द की रिप्लेस पे जाएंगे, मोर पे आएंगे और यहाँ होता है स्पेशल। स्पेशल में हमने टैप कैरेक्टर में बोला कि टैप कैरेक्टर कन्वर्ट हो जाए कॉमा में, हमने रिप्लेस ऑल कर दिया, हो गया। फिर हमने यहां पे सिलेक्ट किया, बोला पैराग्राफ मार्क जो है वो हो जाए सेमी कॉलन रो, हमने रिप्लेस ऑल किया, देन एस देन ओके। उसके बाद जो है हम इसको सिलेक्ट करते हैं। अब ध्यान रखिएगा इसमें एक चीज और है इन्वर्टेड कॉमा, बट इन्वर्टेड कॉमा हम एक्सेल पे जाके लगाएंगे। एक्सेल के किसी एक सीट पे जाके मैं इस सारे को पेस्ट कर देता हूं और फिर इसको सिलेक्ट करता हूं कंट्रोल एच। अब मैं यहां पे बोलता हूं जो हमारा कॉमा है वो जाए कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो जाए। तो डबल लग गया, माफ कीजिएगा, कंट्रोल चेक कीजिएगा, कंट्रोल एच, एक सिंगल कॉमा इन्वर्ट कॉमा करना है। और फिर हमने बोला कि जो सेमी कॉलन है वो सेमी कॉलन हमारा हो क्लोजिंग इन्वर्टर कॉमा एंड सेमी कॉलन से, तो जितने भी टेक्स्ट के सब में इन्वर्टर कॉमा लग जाए। अब एक आध छूट गया होगा, इसे स्टार्टिंग में ही छूट गया है, इसको आप मैनुअल लगा दीजिए। तो लास्ट का जो सेमी कॉलन है ये नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ है। अब मैं इसको कॉपी करता हूं, कॉपी करने के बाद जाता हूं डेटा और ये जो यहां पे कर्ली ब्रैकेट में जो दिया हुआ है ना इसको डिलीट करता हूं और हम कर्ली ब्रैकेट में उसको पेस्ट कर देते जो हमारा था वो ठीक लगाते हैं एंड ओके। अब देखिए आपके सामने यहाँ वीलुकअप में वर्क कर रहा है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डबल फाइव। तो यहाँ पे मैंने दिया वीलुकअप, सिलेक्ट किया डेटा एंड कॉमा टू कॉमा जीरो, आप देखिए रिजल्ट आ गया। यही नहीं, इन फ्यूचर में कभी आपको इसमें चाहिए तो इक्वल डेटा कीजिए और एंटर मार दीजिए, पूरा डेटा आ जाएगा। समझ में आया सर? दीपक जी हाँ सर आ गया। अब बात आती है कि इसको और ज्यादा डिटेल में आप जो है यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको चाहिए होगा प्रैक्टिस। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, मुझे 10 से 15 एरे का एग्जांपल दीजिए और मैं आप लोगों को एक बुक रिकमेंड कर रहा हूँ। बुक का नाम है कंट्रोल शिफ्ट एंटर, समझे, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। इसकी पीडीएफ कॉपी मैं आपको भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, पीडीएफ कॉपी जो है मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, बाकी जो है आप खुद ब खुद देख लीजिएगा। तो दो बुक आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, पहला तो आपका माइक्रोसॉफ्ट 10 का है, इसमें भी आपका एरे का चैप्टर है, ये आपका है कम्प्लीटली एरे, एक फॉर्मूला की है इसमें एरे भी है फॉर्मूला भी है। तो एक मैं बुक दे रहा हूँ जिसमें सिर्फ सिर्फ एरे है। सर ये वाला एक्सेल फाइल भी भेज देना जरा प्लीज एक बार। एक्सेल फाइल भी चाहिए होगा? जी जी दे, दो मिनट दे देता हूँ। ये आपका हो गया दीपक, ये है क्या आपका आईडी सर? हेलो डीएस आगरा होगा। अच्छा डीएस आगरा मिल गया। हाँ तो आपका सर भुवन जी? हाँ मिल गया भुवन पांडे जी, मिल गया। और आपको फाइल भी चाहिए ना सर? तो देखिए एरे पे मेहनत करना पड़ेगा सर, यह ध्यान रखिएगा, एरे पे मेहनत करना पड़ेगा, अगर एरे पे मेहनत नहीं करते हैं तो मुश्किल हो जाएगी फिर सर। एरे इतनी आसानी से समझ में आने वाली चीजें नहीं है सर, और फिर आगे चल के वीबीएम एल्गोरिथम भी एरे प्रदान करेगा। जी सर। अच्छा सर इसका वीडियो भी मैं थोड़ा सा ना ये मोबाइल से देखा और मेरा थोड़ा गाड़ी में था मैं, ये, वीडियो, हाँ मैं मुझे वीडियो शेयर कर, लिंक शेयर कर दीजिए मैं देख लेंगा। ठीक सर ठीक, थैंक यू सर।
ठीक है सर। मैंने भेज दिया, तो ये बुक को भी थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ओके, आप किसी के क्वेश्चन वगैरह है, डाउट वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं। सर मैं ये पूछ रहा था कि ये क्लासेस का टाइम सर कैसे यही रखेंगे या